हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस टाइम मैं हूँ वृंदावन की गलियों में, और अभी हम जा रहे हैं कुंज बिहारी के दर्शन करने। और आपको पेड़े मिल जाएंगे, आप भी देख रहे हैं, 20 रुपये से शुरू होते हैं, 20 के 50 के जितने की आपकी श्रद्धा हो वो ले जाओ। और क्या, चलो आप बांके बिहारी के दर्शन करें। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो मेन टेम्पल यही है बांके बिहारी जी का, और सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं पे होती है। ये रहा मंदिर, सुबह ये है, दर्शन हो चुके हैं। अगर आपको दर्शन करने हो आराम से तो थोड़ा शाम में आइए, इतना रश नहीं होता है। अभी हम जाएंगे प्रेम मंदिर, तो चलो शाम का व्यू देखते हैं उधर कैसा है। हेलो, शाम के 7:30 हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन यहाँ पे भी होते हैं गाइस। राधे राधे। और अगर आप आ रहे हैं तो लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करना ना भूलिए, ये टिक्की बहुत फेमस है यहाँ की, और पेड़े वगैरह तो है ही हैं। तो भैया अभी हमको टिक्की खिलाना है, टिक्की बनाओ अच्छी सी टिक्की बनाओ। हो जाएगी आपकी। अरे बुआ सही है यार। गाड़ी चला रहा है वो ऑलमोस्ट गिरने वाले हैं, बाकी लोग आराम से बैठे हैं आगे गाड़ी चला रहे हैं। ये सब आपको वृंदावन में देखने को मिलेगा और कहीं। जा भाई जा, मैंने पूरा मुंह अपना राधे राधे कर दी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे प्रेम मंदिर, कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे गोप्रो के लिए गफ्फे पड़ चुके हैं सिक्योरिटी गार्ड से। फोटो खींचना है तो आते टाइम खींचते फोटो।
चपाती भी ले ली थी। मंदिर को बनने में 25 साल लगे थे और ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था 2010 में और ये मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है और सुबह 8:30 बजे ही खुलता है। तो आइए अपने प्रेम भाव से, चलो आपको थोड़ा दिखाती हूँ गोवर्धन ये वगैरह। मिलती हूँ आपको मैं नई जगह के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।